सुप्रभात, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। हमेशा की भांति शुरुआत कुछ वार्म अप क्रियाओं से। दोनों पांव सामने फैलाएंगे, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव लेकर आए। कमर गर्दन भी यथासंभव सीधी। बहुत सुंदर, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए, अपने भाग्य को सराहें। करते जाएं करते जाएं, एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, अब की बार एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। ऑपोजिट साइड में करिए जी, करिए। समझ में ना आए जरूर देखिए, गलत नहीं करेंगे। जो साथी मेरे YouTube से जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट, जूम पर जुड़े। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से लगाइए। कोशिश जरूर करिए कि एड़ी आपके शरीर को टच करे, ताकि मेरा पूरा घुटना बेंड हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं सब लोग। दोनों पांव से भी करेंगे, एक साथ करेंगे, दोनों पांव से इकट्ठा। कोशिश करें घुटने मिले रहें। प्रयास में कोई कमी ना आने दे जी, पूरे उत्साह के साथ उमंग के साथ करें हर एक क्रिया को। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें। हाथों का स्टैंड, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। दोनों पांव की एड़ियों को 1 फीट खोलें और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। छोटी उंगली बाहर लगाएं, दोहराते जाएं। कोशिश करें अंगूठे मेरे टच हों, जिनके टच नहीं हो रहे कोशिश करें। थोड़ा अलग अभ्यास करें, पूर्ण स्थिति में मेरे अंगूठे टच होते हैं जी। बहुत बढ़िया, देखिए कर्व बनता है पूरे पांव का। बहुत सुंदर महेंद्र जी, करते जाइए करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। आंख भी बंद करके कीजिए, ताकि ध्यान मेरा क्रिया पर हो। अब आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैंप करें और घुटने को मोड़कर पंजे को पकड़ लें। पंजे को पकड़ लें दोनों हाथों को क्लैंप करके, और फिर पांव के घुटने को, राइट पांव के घुटने को सीधा कर दें, ऊपर उठा दें। लेफ्ट पांव के पंजे को तान के रखें। कोशिश करें कि मेरी उंगली आपस में फंसी हुई हो और एड़ी के निकट तलवे के पास पूरी तरह मैंने पंजे को पकड़कर धक्का देना है। कोशिश करें कोशिश करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सामने पंजे को तानिए कुमार जी, नीचे वाले पांव के पंजे को तानिए। अब सीधा रखते हुए, बिना घुटना मोड़े सीधा रखते हुए वापिस आएंगे, आराम से वापिस आएंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स, सामान्य श्वास। समझ में आ गया? फिर अब लेफ्ट पांव के घुटने को मोड़ें, पंजे को ग्रिप करें और धीरे धीरे पांव को, एड़ी को उठाकर सीधा कर दें पांव, घुटना बिल्कुल सीधा।
कुछ साधकों का घुटना मुड़ा हुआ होगा। पहले हमने राइट से किया था, अब हम लेफ्ट पांव से कर रहे हैं। मुस्कुराते रहें, नीचे वाले पांव के पंजे को तान के रखें, थोड़ा सा और कोशिश करें कि घुटना मेरा सीधा हो, साइटिका नाड़ी मेरी प्रभाव में आएगी, गर्दन कमर यथासंभव सीधी, धीरे धीरे आराम आराम से सीधा रखते हुए वापस आएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को पास में लेकर आएं, पंजों को ग्रिप करें और पूरी मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करें। लगातार एड़ियां अपनी ओर खींचें जी, खींचें। थोड़ा घुटने और कोशिश कीजिए, आसन को स्पर्श करें, रीढ़ को सीधा रखें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया माधुरी जी, करते जाइए करते जाइए। पूनम जी बहुत बढ़िया, करते जाइए मुस्कुराते जाइए। रिचा जी बहुत सुंदर, लगातार एड़ियां निकट से निकट आगे जाने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपने जाने नहीं देना। थोड़ा और खींचिए जी, और खींचिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पांव को सीधा कर दें, तनिक विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, आंखें बंद रहे जी, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। आइए पद्मासन लगाएंगे। पहले राइट पांव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए। इस प्रकार से एड़ियां की नाभि के निकट आ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, आंखें कोमलता से बंद हो, सामान्य श्वास, गहरे लंबे श्वास। मन हमारा शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है। संकल्प करें अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से बंद आंखों में सारी क्रियाएं करेंगे, कल से और बढ़िया करेंगे, 100% देंगे अपना। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, अधिक से अधिक
घुमाव देंगे कटी भाग को, जो पद्मासन लगाकर कर सकें पद्मासन लगाकर करें, हर प्रयास पिछले प्रयास से बढ़िया हो। करते जाइए लगातार, मुस्कुराहट होठों पर, आंखें मंद हो, ध्यान आते प्रभाव पर। शरीर मेरा झुके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पद्मासन खोल दें, तनिक विश्राम ले लें और आसन के ऊपर बिना सहारा लिए, कोशिश सभी करें खड़े हो जाएं, बिना सहारा लिए कोशिश करें। एक बार बैठ भी जाएं, फिर से एक बार कोशिश करें, चौकड़ी मारें जी, फिर से खड़े हो जाएं, कोशिश करें, सहारे की आवश्यकता ना पड़े। एक बार और करिए, वेरी गुड, करिए करिए करिए, चौक फिर से खड़े हो जाएं। देखिए शरीर पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गीता जी। सामान्य श्वास, अब आगे की कुछ क्रियाएं आसन प्रज्ञा बेटी कराएगी। प्रज्ञा, आइए सबसे पहले करते हैं जॉगिंग। अपने आसन पर आगे पीछे चलें, जॉगिंग करें। एकदम फुर्ती के साथ सारी सुस्ती भगाते हुए प्रयास करें एड़ियां हमारी नितंबों से लगे। बहुत अच्छे, आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे थोड़ा विश्राम। अब हम करते हैं वृक्षासन। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाईं एड़ी को रखें बाएं पांव की जंगा मूल पर। दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर और बना दे नमस्कार मुद्रा। हमारी पूरी हथेली और कलाई मिली हुई, आगे से गैप ना हो, कोहनिया प्रयास करें सीधी, ऊपर से ऊपर हाथ तने हुए। आगे किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लें, हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता हुआ, शरीर में नियंत्रण आता हुआ। जो बैलेंस ना बना पाए वो सिर्फ ताड़ासन कर लें। धीरे धीरे पहले हाथ लाएंगे वापस और अब पांव भी ले आए वापस। इसी को करेंगे दूसरी ओर से। बाएं एड़ी को रखें दाएं पांव की जंगा मूल पर। दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर, बना दे नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथ एकदम सीधे कानों के साथ सटे हुए। हमारे कंधे भी प्रभाव में आते हुए। धीरे से हाथों को ले आएंगे वापस तानते हुए और पांव को भी कर दे नीचे और करेंगे थोड़ा विश्राम। आंखें कोमलता से बंद, पांव को सामान्य कर लें।
करते हैं पीटी की एक्सरसाइज। पांव को सुविधाजनक दूरी पर रख लें। पहली स्थिति में दोनों हाथ कंधों के एकदम सामने, दूसरी में आकाश की ओर, तीसरी में खोल देंगे जमीन की दूरी पर, और चौथी में ले आएंगे वापस। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अब। एक, दो, तीन, चार। करते रहे इसी प्रकार। बहुत अच्छे, हमारे कंधे बहुत अच्छी तरह प्रभाव में आते हुए आ जाएंगे वापस अपने। दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ सटा ले। अब की बार सिर्फ अपने कंधे घुमाएंगे, कंधों को घुमाए गोल गोल। बहुत अच्छे, हमारा सर्वाइकल रीजन प्रभाव में आता हुआ, फ्रोजन शोल्डर्स ठीक होते हुए। गर्दन सीधी, गर्दन लटके नहीं। करेंगे रिवर्स। दूसरी ओर से जाएंगे वापस। करेंगे थोड़ा विश्राम। अब करते हैं बैलेंस की क्रिया। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के सामने ले आए और अब अपने दाएं पांव को घुटने से मोड़कर 180 डिग्री पर ले आए। हमारा घुटना हमारे हिप्स के एकदम सामने, पंजा नीचे की ओर तना हुआ। हमारी थाईज एकदम हमारे आसन के पैरेलल हो जाए। थाइस पर बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ, हमारे टखने भी प्रभाव में आते हुए। आ जाएंगे वापस। अब करेंगे इसी क्रिया को दूसरे पांव से। हमारी एड़ी हमारे घुटने के नीचे, थाइस और उठाए थोड़ा ऊपर, हमारा घुटना हमारे नितंबों के एकदम सामने आ जाए। बहुत अच्छे, सभी का बहुत ही अच्छा बैलेंस बनता हुआ। आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ भी नीचे, करेंगे विश्राम। सामान्य हो जाए, हाथ पांव को थोड़ा झटका लें। अब हम करते हैं उठक बैठक। दोनों हाथ अपने 180 डिग्री पे खोल दें, मुट्ठी बना लें। जाएंगे नीचे एक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। थोड़ा रुकेंगे।
ऊपर, हाथ नीचे। करेंगे हम सूर्य नमस्कार, अपने आसन के आगे वाले स्थान पर आकर करें थोड़ा विश्राम। श्वास सामान्य कर लें। एड़ी मिलाएं, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ तने हुए, जैसे स्कूल में अटेंशन बोलते थे एकदम वैसे। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। हमारा कोहनी से लेके हथेली तक का भाग एकदम सीधा। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ले जाएं आकाश की ओर और तान दे ऊपर से ऊपर। हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई। ताड़ासन के सभी लाभ मिलते हुए हमारे शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी प्रभाव में आती हुई। श्वास भरें, कमर से भी झुकें थोड़ा पीछे की ओर। बहुत अच्छे। ताने ऊपर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। हमारी हथेली कानों से अलग ना हो, प्रयास करें उंगली टच हो जाए। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो स्थिति में ज्यादा देर ना रुकें और अपनी गर्दन को सामने की ओर तान के रखें। पेट पिचकाएं, अंदर से अंदर झुकने में सहायता मिलेगी। माथे को प्रयास करें लेके आए हम अपने घुटने के नजदीक से नजदीक। दोनों हाथों को जमा लें आसन पर और अपना दाया पांव ले जाएं पीछे से पीछे। गर्दन आकाश की ओर, माथा आकाश की ओर, पूरी हथेली लगाएं आसन पर। पीछे वाला घुटना आसन पर ना लगे, सामने वाला घुटना 90 डिग्री पर। हमारा लिवर खिंचता हुआ, पैनक्रियाज दबती हुई, पूरी हथेली लगाए माधुरी जी। लेके जाएंगे दूसरा पांव भी पीछे। आ जाएं पर्वत आकार स्थिति में, एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठ में। शरीर को आगे से थोड़ा धक्का दे पीछे की ओर, स्थिति और अच्छी बनेगी। हमारी साटिका नाड़ी प्रभाव में आती हुई, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई। हाथों की पांचों उंगलियां मिलाकर रखें। आ जाएंगे पैरेलल। गर्दन का रुख सामने, शरीर एकदम फट्टे की तरह सीधा। शोल्डर्स मजबूत बनते हुए क्रम से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। कोहनियां खड़ी रखें और शरीर के साथ लगा के रखें। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो वह ठुड्डी लगा ले आसन पर। धरती माँ के गुण हमारे अंदर समाते हुए, गुस्सा शांत होता हुआ, सहनशीलता आती हुई, सूर्य नमस्कार में विश्राम की स्थिति। आगे से शरीर को धक्का देंगे और अपने धड़ को उठा देंगे ऊपर। कोहनियों को कर दे एकदम सीधा। पीछे से एड़ी खुल गई है कुछ साधकों की, एड़ी पंजे मिला के रखें।
पूनम जी कोशिश करे एड़ी मिल जाए। गर्दन पीछे से पीछे, थाइस का दबाव बनाकर रखे आसन की ओर। पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता हुआ, सर्वाइकल ठीक होता हुआ। कंधों का दबाव भी बनाए पीछे की ओर। बिना घुटने का सहारा लिए आ जाएंगे पुनः पर्वताकार स्थिति में। पुनः एड़िया आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, कंधे एकदम मजबूत बनते हुए, शरीर मजबूत बनता हुआ। अंगूठा अलग हो गया उंगलियों से, अंगूठा मिला के रखें। एक ही बार में प्रयास करेंगे, दाया पांव आ जाए दोनों हाथों के बीच। 15 उंगलियां एक लाइन में, माथे का रुख आकाश की ओर। पीछे वाले पांव की एड़ी को खींच के रखें, पांव सीधा होगा। आगे वाला घुटना 190 डिग्री पर, दूसरा पांव भी लेकर आए आगे। थोड़ा और प्रयास करें झुकने का। घुटने सीधे, श्वास भरते हुए कमर को कर दे सीधा। बुझाए कानों के साथ। कुछ साधकों का मुंह पहले आ गया, हाथ बाद में आए। ताने ऊपर से ऊपर हाथों को, श्वास भरें। थोड़ा झुके कमर से पीछे। आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा। करे सूर्य भगवान का धन्यवाद। अपने आसन पर शवासन में लेटकर करेंगे विश्राम। शरीर एकदम ढीला, हिलडुल बिल्कुल भी ना हो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण आसन, जो हम सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ध्यान हमारा श्वासों पर। आंखें कोमलता से बंद। आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लेकर जाएं सर के ऊपर। हम करेंगे नावासन। हाथों को ताने ऊपर से ऊपर, पंजों को नीचे लेटकर जैसे ताड़ासन कर रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर, ताने हाथों को और पांव को विपरीत दिशा में खींचें। यहीं पर एक बार ढीला छोड़ दें। पुनः ताने अपने शरीर को, और अब की बार बिना घुटने मोड़े अपने पांव को ले आएंगे अपने हाथों के पास। और प्रयास करें हमारे पांव धरती से स्पर्श हो जाए। और अब आगे झुकेंगे और हमारे हाथ पंजों से आगे निकल जाए। इसी प्रकार दोलन करते रहें आगे पीछे। जब आगे आए तो प्रयास करें हमारी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाए।
और जब पीछे आए तो पंजा हमारा आसन से लग जाए। ध्यान रखे, प्रयास करे, हमारे घुटने ना मुड़े और हमारे हाथ कानों से सटे रहें। हमारी पूरी रीढ़ की मसाज होती हुई इस एक क्रिया से हमें तीन आसनों के लाभ मिलते हैं, पश्चिमोत्तानासन, नावासन और हलासन। करते जाएं, बहुत ही अच्छा आसन। जब पांव पीछे लाएं तो हाथों को भी पीछे लाएं। क्रिया को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस अपने आसन पर, बैठकर करेंगे विश्राम। दोनों पांव सीधे, हाथ पीछे कमर के, लेटे लेंगे गहरे लंबे सांस। अब हम करते हैं गोमुखासन। अपने दाएं पांव को मोड़कर दाएं पांव की एड़ी पर बैठ जाएं। बाएं पांव को मोड़कर दाएं पांव के ऊपर से और अपने पंजे को रख दिया आसन पर। प्रयास करें दोनों घुटने एक के ऊपर एक हों। घुटनों से आगे गो माता के मुंह जैसी स्थिति बन जाए। और अब जो हमारा पांव ऊपर है यानी बाया पांव, तो बाया हाथ ही हमारा पीछे से जाएगा ऊपर से, और दाएं हाथ को नीचे से ले जाएं और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लें। कमर गर्दन सीधी, गर्दन ना लटके, ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर। हमारा बाइसेप हमारे कानों से लगा हुआ। गोमुख आसन, गहरा लंबा सांस भरे, इसमें हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। गोमुख आसन में गहरे लंबे सांस भरे, हमारी पूरे शरीर की अलाइनमेंट बनती हुई। हमारा मोटापा कम होता हुआ। आएंगे वापस, इसी को करेंगे दूसरी ओर से। अब की बार दूसरे पांव की एड़ी पर बैठें। पीछे से प्रयास करें उंगलियां टच हो जाएं। हमारे कंधों के लिए भी बहुत ही अच्छी क्रिया। गहरा लंबा सांस भरें, गर्दन को सीधा रखें, नीचे नहीं लटकाएं। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। आ जाएंगे वापस। पेट के बल आ जाए। करेंगे शिथिल आसन दाई ओर में विश्राम। हमारे दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। सांस
सामान्य रूप से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, और एड़े पंजे मिलाएं। अब हम करते हैं शलभ आसन। ठुड्डी आसन पर अपने दोनों हथेलियों को रखें अपनी जंघाओं के नीचे। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं और बिना घुटने मोड़े पीछे से अपने पांव को उठा दे ऊपर। आगे से ठुड्डी नहीं उठेगी ठुड्डी आसन पर, केवल पीछे से पांव उठा दें। हथेलियां हमारी जंघाओं के नीचे। पंजों को तान कर रखे बाहर की ओर, रुकने में सहायता मिलेगी। हमारी जंघाएं प्रभाव में आती हुई, रीढ़ का निचला भाग प्रभाव में आता हुआ और ठुड्डी को आसन पर लगाने से सर्वाइकल भी प्रभाव में आता हुआ। हथेलियों से सहारा लें और प्रयास करें पांव को ऊपर उठाने का। बहुत अच्छे, आ जाएंगे एक बार धीरे से वापस। पुनः करेंगे इसी स्थिति को। एड़ी पंजे मिलाएं और दोबारा उठा दे थाई तक अपने पैरों को बिना घुटने मोड़े। जंघाएं भी उठ जाएं। अब की बार पिछली बार से और अच्छा करने का प्रयास करें। हमारा सबसे अच्छा कंपटीशन हम खुद ही होते हैं। धीरे से आएंगे वापस, करेंगे शिथिल आसन बाईं ओर में विश्राम। आगे की कक्षा लेंगे विजय सर। धन्यवाद। दाएं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास, सुंदर सुंदर आसनों का अभ्यास। पीठ के बल आ जाएं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ सुंदर अभ्यास प्रज्ञा द्वारा। आइए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ 180 डिग्री पर फैलाएं, हथेली का रुख आकाश की ओर रहे, शब्दों पर चलेंगे मुस्कुराते हुए। दाईं टांग राइट लेग धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री पर। पंजे को तान कर रुकें, नीचे वाले पांव के पंजे को भी तान कर रुकें। भुजाओं को खींचने का विशेष महत्व है। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले जाएं बाईं हथेली की ओर, गर्दन को ले जाएं राइट साइड में। पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे, घुटने दोनों पांव के सीधे रहेंगे। भुजाएं लगातार 180 डिग्री पर खिंची हुई हो, भुजाओं की स्थिति जरूर चेक करें। सामान्य श्वास में रुकें, गर्दन के साथ जबरदस्ती ना करें, जितना सहज रूप से गर्दन जा पाए वहीं पर रुक जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मेरे शरीर की हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। कमर के लिए तो विशेष लाभकारी आसन है ये। मुस्कुराते हुए रुकें, धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पांव को 90 डिग्री पर लेकर आए, पहले रुके यहां पर भरे श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बड़ी सहजता से आराम से एड़ियों को आसन पर, एड़ी को आसन पर लेकर जाएं।
रखने की आवाज ना आए। तनिक सा विश्राम ले लें। इसी अवस्था में जल्दी से कंधे ढीले, पंजे ढीले, एकदम सामान्य हो जाएं। आंखें अवश्य बंद रहे, मुस्कुराहट लगातार बनी रहे। फिर से एक बार मन मनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजों को तानेंगे, भुजाओं को खींचेंगे, लेफ्ट पांव को धीरे धीरे ले चलेंगे आकाश की ओर। थोड़ा रुके जी, रुके, पहले यहां पर रुकेंगे, उसके बाद ही एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और तानिए पंजे को, नीचे वाले पंजे को भी तानिए, और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें राइट हैंड की ओर, हथेली की ओर, साथ साथ गर्दन भी लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास हो रहा है। प्रयास में अपनी तरफ से 100% दें। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग से बढ़िया कोई माध्यम हो नहीं सकता। ईश्वर की विशेष कृपा है हम सब के ऊपर। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में हम आपको स्पॉटलाइट कर रहे हैं। जब आपको समय मिले क्लास खत्म होने के बाद अवश्य देखें। बहुत बढ़िया, चेहरे की आकृति ना बिगड़े जी। मुस्कुराते हुए आएंगे मध्य में। एक बार पांव को 90 डिग्री पर रोकें, गर्दन भी सीधी करें, थोड़ा गहरा श्वास भरें, पंजे को ताने, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बड़े आराम से फूल की तरह एड़ी को आसन पर रखेंगे। सामान्य श्वास, हाथों को आगे ले लें, एकदम रिलैक्स। जल्दी से सेतु बंद आसन करेंगे, आज का आखिरी आसन रहेगा। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़कर मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। करें जी, सब लोग करें, आज का आखिरी आसन है। प्रयास सभी करें, इतना प्रयास हो कि मेरी चेस्ट ज्यादा उठे, ताकि मेरी ठुड्डी सवते ही कंठकूप से लगे। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी स्थिति, थायराइड का रोग ठीक होगा। करें 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 जी करें, थोड़ा कोशिश करें कि फ्लैट मेरी स्थिति आ जाए, मेरी चेस्ट इतनी उठे। रुकें, बहुत क्षमता है जी हमारे अंदर, उस क्षमता का उपयोग करें। चेस्ट को उठाने में ज्यादा शक्ति लगाएं जी, ज्यादा प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास चल रहा है जी महेंद्र जी, बहुत सुंदर। रुकने से फायदा होगा, बार बार अपने आप को ऐसा संदेश देना है आपने। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। इतनी शक्ति अवश्य रखें कि शरीर मेरा पटकना ना पड़े। सवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी। हथेलियों का रुख आकाश की ओर, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, मुस्कुराते हुए शरीर का मानसिक अवलोकन। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे।
बार बार प्रभु का धन्यवाद करें, गुरुजनों का, पेरेंट्स का धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था राइट करवट उठ करके वज्रासन में बैठ जाएं। हंसी के लिए अपने आप को तैयार कर लें, मन मना लें, घुटने मिला लें और पूरी मस्ती के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं, हंसते जाएं। और जोर से अंतिम आवृत्ति। शांत। अब आंखें बंद रहे जी। अब मैंने आंखें बंद करके सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करना है। कमर गर्दन को सीधा रखकर अभ्यास करना है। सुंदर प्राणायाम का अभ्यास गौरव जी कराएंगे। धन्यवाद विजय सर। आसनों का कितना सुंदर अभ्यास किया हम सब ने मिलकर। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, आंखें कोमलता से बंद। योग से ना केवल हम शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं। आइए मिलकर करेंगे कुछ प्राणायामों का अभ्यास। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो साधक पद्म आसन लगा सकते हैं वो पद्म आसन लगा लें, अन्यथा सुखासन, सिद्धासन, लत्थी प्लत्थी मारकर इस प्राणायाम को करेंगे। बायां हाथ लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणिक मुद्रा बनाएं और नासिका पर रखें। इस प्राणायाम को हम बाईं ओर से ही शुरू करते हैं, बाईं ओर से ही समाप्त करते हैं। बाईं ओर की दोनों उंगलियों को हटाते हुए भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। पांच की गिनती गिनते हुए श्वास को भरें, नासिका को बंद करें। दाईं ओर से अंगूठा हटाते हुए पांच की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकालें। अब दाईं ओर से श्वास को भरें, अंगूठे से नासिका को बंद करें और उंगलियां हटाते हुए पांच ही गिनती हुए सांस को बाहर निकालें। ये एक आवृत्ति पूरी हुई। अब इसी क्रिया को बारंबार दोहराते जाएं। बाईं ओर से सांस भरें, दाईं ओर से निकालें, दाएं से सांस भरें, बाएं से निकालें। बहुत ही सुंदर अभ्यास सभी का। सुबह सुबह का अमृत वेला, ताजी हवा, सामूहिक योग साधना, मन में कुछ ऐसे भाव लेकर आए कि मेरे फेफड़े शक्तिशाली हो रहे हैं, मेरा हृदय शक्तिशाली हो रहा है, मेरी मांसपेशियों की प्रणाली में कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है। करते जाएं। मेरे पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जा रही है। मैं चिंता और तनाव से मुक्त हो रहा हूँ, मुक्त हो रही हूँ। ऐसे सुंदर भाव मन में लेके करते जाएं।
दाएं से श्वास निकालें, भरें, बाएं से निकालें, बाएं से श्वास भरें, दाएं से निकालें। कितने भाग्यशाली हम लोग सुबह सुबह के इस अमृत वेले में सामूहिक योग साधना करते हुए। करते जाएं, करते जाएं। बाईं ओर से हम लोगों ने इस प्राणायाम को शुरू किया था, अब बाईं ओर से ही इस प्राणायाम को हम समाप्त करेंगे। धीरे धीरे प्राणायाम को समाप्त करते हुए आ जाएं वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिका का दाहिना क्षेत्र और उल्टा का अर्थ है नासिका का बायां क्षेत्र। इस प्राणायाम को हम नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। आइए अगला प्राणायाम, बहुत ही सुंदर प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ पलट रखें घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, भरेंगे गहरी लंबी श्वास, लगाएं मूल बंद, मूल बंद खोलते हुए शक्ति लगाते हुए श्वास को टुकड़ों में बारंबार बाहर निकालें। श्वास निकालें, छोड़ें, स्वतः अपने आप भरने दें, फिर निकालें, फिर अपने आप भरने दें। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। श्वास बाहर निकालते हुए कुछ शक्ति का प्रयोग करना है, श्वास भरते हुए शक्ति का प्रयोग ना करें, स्वतः भरने दें। प्रयास करें मेरे कंधे कम से कम हिलें। करते जाएं, करते जाएं। बहुत ही सुंदर प्राणायाम, पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र मेरा मजबूत होता हुआ। मेरे फेफड़े मजबूत होते हुए। करते जाएं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। अंत में पूरा श्वास बाहर निकाल, लगाएंगे मूल बंद, मूल बंद खोलते हुए श्वास भरें, श्वासों को करें सामान्य। श्वासों को सामान्य करें। इसी क्रिया को एक बार दोबारा करने का मन बनाएंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास, लगाएं मूल बंद खोलते हुए शक्ति अनुसार श्वास को छोड़ते हुए इस क्रिया को दोहरा दें।
श्वास को बाहर निकालें तो शक्ति लगाएं, फिर अपने आप स्वतः भरने दें, फिर निकालें शक्ति लगाएं, फिर अपने आप श्वास को भरने दें। इसी क्रिया को बारंबार दोहराते जाएं। इतनी सुंदर हमारी योग साधना। मेरे मन मस्तिष्क पर कितना सुंदर प्रभाव इस प्राणायाम का। करते जाएं। मेरा हृदय, मेरे फेफड़े मजबूत होते हुए मेरे चेहरे पर तेज उत्पन्न होता हुआ, बहुत ही सुंदर प्राणायाम। अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए अंत में पूरा श्वास बाहर निकालें, लगाएं मूलबंद, मूलबंद खोलते हुए श्वास भरें, श्वासों को करें सामान्य। रीढ़ कमर सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। कितना सुंदर प्रभाव इस प्राणायाम का मेरे मन पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर महसूस करें। अगला प्राणायाम, मन को शांत कर देने वाला प्राणायाम, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने वाला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। घर पर, ऑफिस में, किसी भी जगह इस प्राणायाम को हम किसी भी समय कर सकते हैं। 5 बार 5 श्वासों में इसका अभ्यास करेंगे। स्थिति लेंगे, पहली 2 उंगलियां आंखों पर, नीचे की 2 उंगलियां होठों पर, दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर 5 बार भंवरे की तरह गुंजन करना शुरू करें। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए धीरे धीरे आ जाएं वापस। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों में महसूस करें कितना सुंदर प्रभाव इस क्रिया का मेरे मन पर, मेरे मस्तिष्क पर। इस प्राणायाम को निरंतर करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, हाइपरटेंशन, बीपी जैसी बीमारी को
कंट्रोल किया जा सकता है। आगे की क्रिया विजेसर। बहुत सुंदर गौरव भाई, बहुत सुंदर प्राणायाम का अभ्यास, प्राण शक्ति का सृजन किया हमने। आंखें सभी की बंद है, सभी के चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है, सभी की रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें, प्रभु के दिव्य नाम को मिलकर पुकारें, बड़े भाव से, बड़े दिल से पुकारें। श्वास भरेंगे और मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाकर करेंगे। कुछ पल शांत अवस्था में बैठ, मन ही मन ओम का ए जपा जाप करते रहे। हर श्वास पर श्वास के साथ ओम को जोड़ दें।
रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है, आनंदित है। शरीर में अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे मेरा तनाव दूर होता है। मुस्कुराते रहें, कमर को गर्दन को सीधा रखें। एक ही प्रार्थना प्रभु से कि योग से हमारा ये लगाव नित्य प्रतिदिन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम योग से जुड़ पाए, ऐसा सब प्रयास करें, संकल्प करें। भारतीय योग संस्थान जिसके बैनर तले ये सुंदर कक्षा चल रही है, आज एक विशेष दिन है। भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी का आज 12वां स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है 30 जुलाई। कैसे एक गृहस्थ ने योग को घर घर पहुंचा दिया, ये चीज हम प्रकाश लाल जी के जीवन से सीख सकते हैं। भारतीय योग संस्थान, ये संस्था 10 अप्रैल 1967 को शुरू की गई थी। प्रकाश लाल जी, जिनको योग की कोई जानकारी नहीं थी, बस कोई बात उन्होंने सुनी, कोई विदेशी आए हुए थे, कोई ऋषि आए हुए थे, तो उन ऋषि ने उन विदेशियों को दिखा करके लोगों को कहा कि हम जो है अपने संस्कार संस्कृति को भूल चुके हैं, योग हजारों साल की हमारी देश की जो धरोहर है, इसको विदेशी लोग आकर के सिखाएंगे तब हम इसकी वैल्यू करेंगे। ये बात उनको इतनी घर कर गई, उसी रात को उन्होंने संकल्प कर लिया कि ये मैं नहीं होने दूंगा। और केवल एक प्रकाश लाल जी ने अपने एक मित्र के साथ ये संस्था की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को कर दी। आज इस संस्था के 4200 से ज्यादा केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी केंद्र है। 90 साल की आयु तक वो योग से जुड़े रहे। 2010 के अंदर 30 जुलाई को उन्होंने शरीर छोड़ा। वो हमेशा कहते थे कि हम चाहते हैं कि जो संस्थान चाहता है कि सोए हुए को बिठा दे, बैठे हुए को खड़ा कर दे और खड़े हुए को दौड़ा दे। उन्होंने योग इसके लिए माध्यम चुना। उनका संदेश जियो और जीवन दो। तो पहले हमने योग को अपनाना है, खुद को सीख अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है और फिर उनके संदेश को घर घर तक पहुंचाना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेकर आना है, पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आना है। तो हमें आज इस 12वें स्मृति दिवस पर आइए सब मिलकर ये संकल्प करें कि मैं जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ूंगा।
भारतीय योग संस्थान आपसे कोई चार्ज नहीं लेता। वो केवल यही चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा, आपको बढ़िया लगा, आपके जीवन में चेंज आया, तो ये चेंज आप दूसरों के जीवन में भी लेकर आए। कोई गुरु शिष्य की प्रथा नहीं है यहाँ पर। गृहस्थ रहते हुए आप योग को अपना सकते हैं। केवल और केवल 1 घंटा आपने इसके लिए निकालना है। तो आइए 2 मिनट ऐसी महान आत्मा प्रकाश लाल जी, जिनका विजन 1967 में, जब योग के बारे में किसी को पता ही नहीं था, उस वक्त उन्होंने ये संस्था खड़ी की। और इस संस्था का नियम है कि डोनेशन नहीं लेते। आज अगर कोई देना चाहे इनको डोनेशन, तो डोनेशन नहीं लेंगे वो। ये लोग कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। इनकी जो पत्रिका छपती है उसमें कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता किसी पॉलिटिकल लीडर को। ये अपने मंच पर नहीं आने देते। तो आप जैसा आपसे बन पड़े, ज्यादा से ज्यादा उनके विचारों को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा योग में लोगों को जोड़ें। आइए 2 मिनट के लिए प्रकाश लाल जी को याद करेंगे, संकल्प करेंगे कि उनके दिखाए गए मार्ग को और ज्यादा हम प्रशस्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योग को पहुंचाएंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। 2 मिनट के लिए दिल से प्रकाश लाल जी को श्रद्धांजलि दें। शांत, एक लंबी ओम ध्वनि होगी, तत्पश्चात शांति पाठ। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति पृथ्वी शांति रापा
शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, पूरे शरीर में शांति की अनुभूति करें। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने शरीर पर मुखमंडल पर ध्यान करेंगे। बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। परिवार के सदस्यों का अभिवादन करेंगे, अपने पेरेंट्स का अभिवादन करेंगे, ध्यान करेंगे। आज की सुंदर कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर जुड़ें ठीक 5:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, स्नान करके ही जुड़ें।